नमस्कार, मैं आनंद शेखर आपका स्वागत करता हूं प्रभात खबर के बिहार न्यूज बुलेटिन में, जहां बिहार के विभिन्न जिलों की छोटी बड़ी घटनाओं से रूबरू होंगे। भोजपुर पुलिस ने 204 ग्राम गांजा, एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ गढ़नी थाना क्षेत्र के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को किया गिरफ्तार। सिपाही भर्ती परीक्षा बिहार के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। भागलपुर में कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न होने के बाद रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की उमड़ी भीड़। जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के पास हटिया पटना सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। गुमटी बंद होने के बावजूद ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। इस दौरान लगने वाले दशहरा मेले को लेकर सासाराम के माँ तारा चंडी धाम में कमेटी की बैठक हुई। वहीं दुर्गा पूजा को लेकर महादेव मंदिर शिव घाट परिसर में नगर पूजा समिति की बैठक आयोजित की गई। बक्सर जिले के अजय कुमार की 24 सितंबर को यूएई की राजधानी अबू धाबी में मौत हो गई थी, जिसके बाद एनआरआई रविचंद की संस्था अंबेडकर ग्लोबल और दीनदयाल उपाध्याय फाउंडेशन की मदद से उनका शव रविवार को बक्सर पहुंचा। पूरे भारत में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान जगह जगह साफ सफाई की गई। वहीं भागलपुर इस स्वच्छता पखवाड़ा में पीछे दिख रहा है। यहां नगर निगम के कई क्षेत्रों में जल जमा हुआ, कीचड़ से लोग परेशान हैं। सिवान जिला परिषद सभागार में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, निर्वाचन साक्षरता क्लब एवं चुनाव पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बुजुर्ग मतदाताओं को सम्मानित किया गया। हाजीपुर में राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सासाराम पुलिस ने किलठोकवा गिरोह के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, लेकिन 7 अपराधी भागने में सफल हो गए। यह अपराधी किसी बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वैशाली डीएम यशपाल मीना द्वारा जागरूकता अभियान के तहत 100 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। हाजीपुर में इंडियन होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की ग्रेटर यूनिट हाजीपुर के तत्वाधान में साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया। धन्यवाद। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ, और इन खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए देखें प्रभात खबर.com। विश्वास वही रफ्तार नहीं।